दोस्तों, 80 के दशक में रामानंद सागर द्वारा निर्मित पौराणिक कथा रामायण टीवी जगत के इतिहास का सबसे लोकप्रिय धारावाहिक रहा है, जिसे कितनी बार कितने कलाकारों के साथ छोटे पर्दे पर प्रदर्शित किया गया है। लेकिन रामानंद सागर द्वारा निर्मित रामायण को अभी तक कोई सीरियल टक्कर नहीं दे पाया है। भले ही सीरियल में किसी तरह का एक्स्ट्रा एडिटिंग ना की गई हो, बावजूद इसके सीरियल में सभी कलाकारों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया था। दर्शकों से खूब तारीफें भी हासिल की थी, जिसमें एक कलाकार रही माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया। मासूमियत और दमदार अभिनय से इन्होंने माता सीता के किरदार को असलियत में जीवंत बना दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया आज कहाँ हैं, क्या करती हैं, कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इन सवाल से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही माता सीता के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। माता सीता का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया का जन्म 29 अप्रैल 1965 को मुंबई में हुआ था। यहीं से इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई लिखाई भी कंप्लीट की थी। अगर बात करें दीपिका के एक्टिंग करियर की, तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत सीरियल रामायण से ही की थी। वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। तो वहीं दीपिका अपने दमदार और भोली सूरत से माता सीता का किरदार को छोटे पर्दे पर बखूबी उतारने में सफल रही, जिसे देखने के बाद हर कोई सच में इन्हें माता सीता की ही उपाधि देने लगा था। लोगों को उनमें माता सीता का ही रूप दिखता था, जिसके चलते लोग उन्हें साष्टांग प्रणाम भी किया करते थे, जो वाकई काफी चौंका देने वाली घटना है। लेकिन माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस जमाने में लोग टीवी पर काम करने वाली महिलाओं को गलत दृष्टि से देखा करते थे, जिसके अनुसार लोगों को ऐसा लगता था कि लड़कियों को सिर्फ पर्दे के अंदर ही रहना चाहिए। मगर दीपिका ने समाज की परवाह ना करते हुए एक्टिंग करियर पर फोकस किया। उन्होंने रामायण धारावाहिक के साथ उत्तर रामायण में भी माता सीता का रोल निभाया था। दर्शकों ने इन दोनों ही धारावाहिक में दीपिका की शानदार एक्टिंग को काफी सराहा। रामायण के खत्म होने के बाद दीपिका की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्होंने भगवान दादा, कालाधन गोरे लोग जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में एंट्री भी की थी। साथ ही गुजराती फिल्मों में भी काम किया, जिसमें इनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। अगर बात करें दीपिका की पर्सनल लाइफ की, तो इन्होंने फिल्मों में काम करने के बाद अपना सिक्का पॉलिटिक्स में जमाने की कोशिश की, जिस वजह से आज ये मुंबई के वडोदरा निर्वाचित क्षेत्र की बीजेपी सांसद भी हैं। तो वहीं 51 साल की उम्र को पूरा कर चुकी दीपिका आज 33 साल पहले के मुकाबले काफी बदल गई हैं। आज वो अपनी बढ़ती उम्र को छुपाने में असक्षम रही हैं, साथ ही ये काफी मोटी और खूबसूरत भी हैं। और आज आपको बताएं कि चेहरे पर 33 साल वाली सादगी और नूर झलकती है, जिस वजह से इनके फैंस आज भी उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि पहले किया करते थे। तो वहीं मुंबई के एक बड़े से अपार्टमेंट में अपने पति और दोनों बेटियों के साथ बड़ी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। इन्हें लास्ट टाइम फिल्म बाला में अभिनेत्री यामी गौतम के माता के किरदार को निभाते आपने देखा होगा। मगर भले ही आज दीपिका फिल्मों में ज्यादा नजर ना आती हों, लेकिन आज भी अपनी खूबसूरती को दिखाने से परहेज नहीं करती, जिसके चलते आए दिन अपनी खूबसूरत फोटोज को सोशल मीडिया के जरिए शेयर करती हैं, जिसमें ये बेहद ग्लैमरस और खूबसूरत नजर आती हैं। तो दोस्तों, आपको रामायण की सीता माता ज्यादा प्यारी लगती हैं या रियल लाइफ की दीपिका चिखलिया? आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ जरूर शेयर करें। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।